हेलो गाइस, दिस इज़ SKR एंड वेलकम टू माय चैनल। लास्ट वीडियो में हमने 10th नंबर क्वेश्चन तक किया था, सो आज के वीडियो में हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन से करेंगे 11th नंबर क्वेश्चन से। सो वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे वीडियो को सब्सक्राइब कीजिए और अगर वीडियो पसंद आए तो ज़रूर लाइक कीजिए और अपने दोस्तों में ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कीजिए। सो वीडियो शुरू करते हैं। टू पाइप्स कैन फील अ क्रिश्चियन इन 14 आवर्स एंड 16 आवर्स रिस्पेक्टिवली। मतलब दो पाइप्स हैं, एक क्रिश्चियन को 14 आवर्स में भरता है और एक 16 आवर्स में भर देता है। द पाइप्स आर ओपेंड साइमल्टेनियसली। अगर दोनों को पाइप्स को एक साथ खोल देंगे एंड इट इज़ फाउंड दैट ड्यू टू द लीकेज इन द बॉटम, और ये देखा जाएगा कि क्रिश्चियन के नीचे एक लीकेज। 32 मिनट्स एक्स्ट्रा आर टेकन फॉर द क्रिश्चियन टू बी फिल्ड। सो उस लीकेज के कारण 32 मिनट एक्स्ट्रा लग रहा है क्रिश्चियन फुल होने में। ओके, इफ द क्रिश्चियन इज फुल इन व्हाट टाइम वुड द लीक एम्प्टी इट। वो क्वेश्चन में क्या पूछ रहा है, पूछ रहा है कि अगर क्रिश्चियन फुल हो जाएगा पूरा तो कितना टाइम लगेगा उस लीक को, पूरे क्रिश्चियन को एम्प्टी करने में। ओके, सो आपको क्वेश्चन समझ में आ गया होगा। चलो देखते हैं इसको किस तरह करेंगे। ओके, दो पाइप बोला है तो हम लोग इधर फर्स्ट पाइप और सेकंड पाइप लिखते हैं। क्वेश्चन में बोल रहा था कि फर्स्ट पाइप 14 आवर्स में फिल करता है और सेकंड पाइप 16 आवर्स में फिल करता है। तो फिल करता है तो हम दोनों पाइप्स को ऐड कर देंगे, तो 1/14 लिखेंगे प्लस 1/16 इक्वल टू 1। ओके, अभी 14 और 16 का एलसीएम लेते हैं तो हमारा आता है 112। सो 14 के टेबल में 112 कितनी बार में आता है, 8 बार में, 8 × 1 = 8। ये प्लस हो गया। 16 के टेबल में 112 7 बार में आता है, 7 × 1 = 7। ओके, इक्वल टू 1। 8 + 7 कितना होता है, 15/112। तो इसको काटने से तो ये कटेगा नहीं। सो जब हम आंसर लिखते हैं तो मैंने पहले वीडियो में भी बताया है बहुत सारे क्वेश्चन में कि हम इसको उल्टा कर देते हैं। 15/112 जो आया है वो हो जाएगा 112/15। अभी नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कर, अभी क्वेश्चन में क्या बोल रहा है नेक्स्ट कि लीक के कारण 32 मिनट्स एक्स्ट्रा लग रहा है, तो ये दोनों मिलके इतना टाइम में फिल कर रहा है। ओके, इतने टाइम में फिल कर रहा है, मीन्स 112/15 आवर्स लग रहा है दोनों को भरने में। अभी लीक के कारण 32 मिनट्स एक्स्ट्रा लग रहा है तो वो भी हमें इसे ऐड करना, इसमें ऐड करना पड़ेगा। सो एक्स्ट्रा मिनट इक्वल टू 112 + 112/15 + 32 मिनट। अभी ये मिनट है और ये आवर्स है, तो आवर्स में चेंज करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, डिवाइड बाय 60 करते हैं। सो डिवाइड बाय 60 किया, 15 और 60 का एलसीएम लेंगे तो 60 आएगा। 15 के टेबल में 60 कितनी बार में आता है, 4 बार में। 112 × 4 करेंगे तो 448 आएगा, 448। और 60 के टेबल में 60 1 बार में आता है तो इंटू 1 करेंगे 32 से, तो 32 ही आएगा। इन दोनों को ऐड करेंगे तो 480 आएगा डिवाइड बाय 60। और अगर इसको काटेंगे, ये 0 0 काट देंगे तो 6 के टेबल में 48 कितनी बार में आता है, 8 बार में। सो 1/8 आवर्स लगा। तो इन फर्स्ट पाइप और सेकेंड पाइप को भरने में टोटल कितना आवर्स लगा, 1/8 आवर्स। अभी क्वेश्चन ने पूछा है वो जो लीक है उस लीक को टैंक को पूरा, क्रिश्चियन को पूरा खाली करने में कितना टाइम लगेगा। सो जो लीक है उसका तो कैपेसिटी नहीं बताया कि कितने आवर्स में वो खाली करता है, तो हमें पता नहीं है, तो हम उसको लीक आवर्स जो है हम एक्स लेंगे। ओके, सो हमारा जो ए एंड बी फर्स्ट और सेकेंड पाइप का जो आया था मिला के, वो आया था हमारा 15/112। ओके, तो हम लोग 15/112 माइनस करेंगे, क्यों, क्योंकि हमें लीक का निकालना है आवर्स। ओके, सो 1 - 1/x = 1/8 क्यों आएगा, क्योंकि उनको ए एंड फर्स्ट और सेकेंड पाइप्स को टोटल 1/8 आवर्स लगा,
भरने में। सो ये टोटल टाइम दिया है, ओके। सो हम लोग क्या करेंगे, 1/8 को इस तरफ लेके आएंगे और x को इक्वल टू के इधर लेके आएंगे, ओके। 1/15/112 - 108 इक्वल टू 1/x, ओके। अब इन दोनों का एलसीएम लेते हैं तो हमारा 112 ही आता है, ओके। आप देख लीजिएगा करके फिर भी एक बार। अभी ये 112 है तो 1 बार में ही आता है, 1 × 15 होता है, माइनस 8 के टेबल में 112 कितनी बार में आता है, 14 बार में, ओके। सो 14 × 1 = 14 ही होता है, इक्वल टू 1/x। इन दोनों को माइनस करेंगे तो 1/112 आएगा, इक्वल टू 1/x। सो x का वैल्यू कितना निकला, 112 आवर्स। सो ये जो लीक है एम्प्टी, ये भरने में कितना टाइम लेगा, सॉरी ये खाली करने में कितना टाइम लेगा, टोटल 112 आवर्स लेगा पिस्टन को पूरा खाली करने में, ओके। चलिए बुक में देखते हैं क्या दिया है वह ऑप्शन। सो बुक में भी यही आंसर दिया गया है, 112 आवर्स, ओके। सो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते। सो नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या बोल रहा है, 2 pipes कैन फिल अ टैंक इन 15 आवर्स एंड 12 आवर्स रिस्पेक्टिवली। बोल रहे हैं 2 pipes है जो एक टैंक को 15 आवर्स में और 12 आवर्स में पूरी तरह भर देते हैं, ओके। एंड अ थर्ड पाइप कैन एम्प्टी इट इन 4 आवर्स, और जो थर्ड पाइप है वो उस टैंक को 4 आवर्स में एकदम खाली कर देता है। इफ़ द पाइप्स आर ओपन इन ऑर्डर टू 8 आवर्स, 8 AM, 9 AM एंड 12 AM रिस्पेक्टिवली। अगर बोल रहा है ये तीनों पाइप्स 8 बजे सुबह 8 बजे खुले और 9 बजे सुबह खुले और थर्ड पाइप 11 बजे खुले, तो टैंक विल बी एम्प्टी एट, तो टैंक कितने समय में खाली हो जाएगा पूरा, ओके। चलिए देखते हैं इसको किस तरह करेंगे, ओके। सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, आवर्स लिख लेंगे, 8 AM सॉरी टाइम लिख लेंगे, किस टाइम में खुलेगा, 8 AM, 9 AM, 11 AM। मीन्स फर्स्ट पाइप 8 बजे सुबह खुल रहा है, सेकंड पाइप 9 बजे सुबह खुल रहा है और थर्ड पाइप 11 बजे सुबह खुल रहा है। सो फर्स्ट पाइप 15 आवर्स लेता है भरने में, प्लस सेकंड पाइप जो है वो 9 आवर्स लेता है, माइनस क्यों, क्योंकि थर्ड पाइप एम्प्टी कर रहा है। सो थर्ड पाइप 4 आवर्स लेता है भरने में, ओके। और ये जो x है वो x किस लिए लिखेंगे, क्योंकि हमें पता नहीं है ये जो थर्ड पाइप है वो कितने आवर्स में कम्प्लीटली एम्प्टी कर रहा है, ओके। तो हम लोग इसको x ले लेंगे। तो इधर x प्लस 2 कैसे आएगा, क्योंकि 11 से जब हम पीछे की तरफ जाते हैं तो 2 घंटा पीछे जाता है। सो ये x का x रहेगा, प्लस 2 करेंगे क्यों, क्योंकि 11 से पीछे 2 घंटा जाएंगे तो प्लस 2 करेंगे, या फिर ऐसे बोल सकते हैं 9 AM से अगर आगे जाएंगे तो 2 ऐड करना पड़ता है 11 के लिए। सो x प्लस 2 करेंगे, ओके। और ये x सेम ये वाला x होगा। अभी 8 AM से 11 AM जाने के लिए 3 घंटे लगते हैं, तो प्लस 3 करेंगे। तो ये हमारा एक इक्वेशन बना। और इक्वल टू 0 क्यों बोल करेंगे, क्योंकि इधर एम्प्टी बोला है, एम्प्टी बोलेगा तो हमें इधर 0 करना पड़ेगा, अगर फिल बोलेगा तो इधर 1 करना पड़ेगा। सो हम लोग इधर पे क्या करेंगे, 0 करेंगे, ओके। अभी इन सब का एलसीएम लिया, 60 आया, 15 के टेबल में 16 4 बार में आता है, तो 4 × x 4x + 4 × 3 = 12 प्लस ये वाला प्लस 12 के टेबल में 60 कितनी बार में आता है, 5 बार में, 5 × x 5x + 5 × 2 = 10, ओके। ये माइनस ये वाला, 4 के टेबल में 60 कितनी बार में आता है, 15 बार में, तो 15 × x 15x = 0, ओके। नेक्स्ट अभी xx प्लस करेंगे, 4x + 5x 9x होता है, प्लस नंबर्स को ऐड करेंगे, 12 + 10 = 22 होता है, माइनस ये 15x। अभी ये 60 को इक्वल टू के इधर लेके क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे तो 60 × 0 = 0 ही होता है। अभी 9x + 15x कितना होता है,
9x माइनस 15x कितना होता है, 6x होता है, इक्वल टू ये 22 को इधर लेके जाएंगे, ओके। सो ये कितना हो जाएगा, 22। सो x का वैल्यू निकालने के लिए 6 को 22 से क्या करेंगे, डिवाइड करेंगे। सो डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा, 6 3 जा 18 4। सो हम लोग इसको ऐसे लिख सकते हैं, 6 4 बाई 60 काटेंगे तो 2 3। सो ये कितना आ जाएगा, 3 2 बाई 3 आ जाएगा, ओके। अभी ये जो 2 बाई 3 है, ये एक्चुअली में क्या है, ये एक्चुअली में आवर्स में निकला, ओके। ये पूरा का पूरा आवर्स में निकला, लेकिन हमको क्या मिनट में भी फ्रैक्शन में इस तरह तो आंसर नहीं निकालेंगे, मिक्स फ्रैक्शन में आंसर नहीं निकालना है हमें, ओके। तो हमें इसको क्या करना पड़ेगा, इसको मिनट्स में चेंज करना पड़ेगा। मिनट में चेंज करने के लिए क्या करना पड़ेगा, इंटू 60 करेंगे। सो 3 1 जा और 3 20 जा, सो कितना आएगा ये, 3 आवर्स 40 मिनट, ओके। सो ये हमारा 3 आवर्स 40 मिनट आया। अभी क्या पूछ रहा था, कितने आवर्स में ये कम्प्लीटली खाली कर देगा। सो इधर पे खाली करने का पूछा था, इसलिए हमने इधर पे x लिया था, और इसका टाइम कितना था, 11 आवर्स। 11 आवर्स में मतलब ये शुरू हुआ है, ठीक है। जब ये 11 आवर्स में खाली करना शुरू करेगा तो वहाँ से हमको टाइम गिनना पड़ेगा। सो खाली करने के लिए क्या करना पड़ेगा, 11 में प्लस ये जो हमारा टाइम आया 3 आवर्स 40 मिनट, इसको ऐड कर देंगे। सो 11 में 3 आवर्स और ऐड करो, 12, 1, 2। सो 2 और ये 40 मिनट, 2 आवर्स 40 PMs, सॉरी 240 PMs को ये पूरा खाली हो जाएगा, ओके। चले बुक में देखते हैं क्या ऑप्शन दिया हुआ है। सो बुक में भी 2 आवर्स 40 PM दिया हुआ है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो 13 नंबर में क्या बोल रहा है, 13 नंबर और 12 नंबर सेम टाइप का क्वेश्चन है। अ क्वेश्चन है 3 पाइप्स ए बी एंड सी, ओके। एक क्वेश्चन है जिसमें 3 पाइप्स लगे हुए हैं ए बी सी। ए एंड बी कैन फिल इट इन 3 आवर्स एंड 4 आवर्स। ए और बी क्वेश्चन को 3 आवर्स में और 4 आवर्स में भर देते हैं रिस्पेक्टिवली, व्हाइल सी कैन एम्प्टी द कम्प्लीटली फिल्ड क्वेश्चन इन 1 आवर्स। जो सी है वो पूरी तरह क्वेश्चन को खाली कर देता है 1 आवर्स में, ओके। इफ द पाइप्स आर ओपन इन ऑर्डर एट 3 PM, 4 PM एंड 5 PM रिस्पेक्टिवली, अगर पाइप्स को 3 PM, 4 PM और 5 PM में खोला जाए, मींस ए को 3 PM में खोला जाए, बी को 4 PM में खोला जाए और सी को 5 PM में खोला जाए, तो व्हाट टाइम विल द क्वेश्चन विल बी एम्प्टी। कितने टाइम पे क्वेश्चन एम्प्टी हो जाएगा। सो अगेन इधर पूछा है कितने टाइम पे एम्प्टी होगा, ठीक है। अगर क्वेश्चन ऐसा भी पूछ सकता है कि कितने टाइम पे भर सकता है, लेकिन ऐसा पूछेगा नहीं, पूछने से क्वेश्चन ही गलत हो जाएगा, ओके। सो क्वेश्चन में पूछेगा हमेशा कितने टाइम पे खाली होगा। चलिए देखते हैं इसको किस तरह करेंगे, ओके। सबसे पहले हम लोग टाइम लिख लेते हैं, 3 PM, 4 PM, 5 PM, ओके। 3 PM वाला पाइप, ए पाइप 3 आवर्स में भर रहा है, 4 PM वाला बी पाइप 4 आवर्स में भर रहा है, और सी वाला पाइप जो है जो एम्प्टी कर रहा है वो 1 आवर्स में खाली कर रहा है। सो पूछा था कितने टाइम पे खाली कर रहा है, इसलिए हम लोग सी को एक्स लेंगे, ओके। अभी 4 से 5 जाएगा, कितना घंटा हुआ, 1 आवर्स हुआ गैपिंग। सो एक्स प्लस 5 करेंगे, 3 से 5 जाने के लिए कितना आवर्स होगा, 2 आवर्स। सो एक्स प्लस 2 करेंगे, इक्वल टू 0, क्योंकि एम्प्टी पूछा इसलिए हम लोग 0 लिखेंगे। अभी इन सब का एलसीएम लेंगे तो 12 आएगा हमारा, 3, 4, 1 का एलसीएम 12 आता है, ठीक है। टेबल में 12 कितनी बार में आता है, 4 बार में आता है, तो 4 इंटू एक्स, 4x, 4 टू जा 8, 4x प्लस 8, ओके। ये प्लस लिखेंगे, 4 के टेबल में कितनी बार में आता है 12, 3 बार में, 3x प्लस
3, ओके, ये माइनस वैसे ही 1 के टेबल में 12, 12 बार में आता है, सो 12 इंटू एक्स, 12x इक्वल टू 0। अभी ये 12 उधर जाएगा तो 0 हो जाएगा, और इनको हम प्लस करेंगे, 4 प्लस 3x 7x प्लस 8 प्लस 3 कितना होता है, 11 होता है, माइनस ये 12x लिखा। अभी 12 माइनस 7 करेंगे तो 5x आएगा इक्वल टू 11 को उस तरफ लेके जाएंगे तो 11 आएगा, ओके। अभी 5 को 11 से डिवाइड करते हैं तो हमारा आता है 2 या 10 1, सो 2 1 बाई 5 मिक्स फ्रैक्शन में आएगा। अभी इसको क्या करना है, हमको मिनट में चेंज करने के लिए इंटू 60 करना पड़ेगा, तो 5 1 जा 5 के 12, 5 के टेबल में 12 बार में 60 आता है, सो 12। सो हमारा कितना टाइम लगा पूरा खाली होने में, 2 आवर्स 12 मिनट लगा, ओके। सो एम्प्टी जो कर रहा है वो 5 आवर्स से स्टार्ट कर रहा है करना, सो खाली करने में टोटल टाइम लग रहा है 2 आवर्स 12 मिनट, सो 5 पीएम प्लस 2 आवर्स 12 मिनट करेंगे तो 7 आवर्स 12 पीएम आएगा, ओके। चलिए बुक में देखते हैं क्या आंसर दिया हुआ है। सो बुक में भी हमारा ऑप्शन दिया है 7 आवर्स 12 पीएम, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं, 14 नंबर क्वेश्चन, ओके। क्या बोल रहा है, अ टैंक इज फिटेड विथ टैप्स ए एंड बी। एक टैंक है जिसमें टू टैप्स लगाया गया है ए एंड बी, ओके। ए कैन फिल द टैंक कम्प्लीटली इन 45 मिनट्स, मीन्स ए जो है 45 मिनट्स में कम्प्लीटली फिल कर देता है टैंक को। बी कैन एम्प्टी द फुल टैंक्स इन 1 आवर्स, और बी को एक घंटा लगता है पूरा टैंक खाली करने में। इफ बोथ द टैप्स आर ओपन अल्टरनेटिवली फॉर 1 मिनट, बोल रहा है कि अगर दोनों पाइप्स को एक मिनट बाद बाद करके चलाया जाएगा तो देन हाउ मच टाइम द एम्प्टी टैंक विल बी फिल कम्प्लीटली। सो बोल रहा है कि कितने टाइम में पूरा टैंक पूरा भर जाएगा, ओके। चलिए देखते हैं इसको किस तरह करेंगे। इसको किस तरह करेंगे, हम लोग ऐसे लिखेंगे वर्क डन इन 2 मिनट्स, ओके, इक्वल टू फॉर पहला वाला पाइप 45 मिनट्स में भर रहा था तो 1/45 माइनस 1/60, दूसरा वाला एम्प्टी कर रहा था 1 आवर्स में, तो 1 आवर्स को हमने क्या किया 60 में कन्वर्ट कर दिया, मिनट में कन्वर्ट कर दिया, सो 1/60 आप मिनट हो गया। इन दोनों का एलसीएम लेंगे तो 180 आता है, 45 के टेबल में 118 4 बार में आता है, माइनस 60 के टेबल में 3 बार में आता है, माइनस 3, सो माइनस करने से 1/80, ओके। अभी क्या करना है, ये जो 180 आया है इसको इस 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, 2 इंटू 180 इक्वल टू 360 आएगा, और 180 जो ये वाला इधर जो किया है मल्टीप्लाई वो हम इसके साथ भी मल्टीप्लाई करेंगे, ओके। सो 1/180 इंटू 180, 180 180 कट गया इक्वल टू 1 मिनट आया, ओके। सो हमारा ये टोटल कितना आया, 2 इंटू 180 इक्वल टू 360 मिनट, ओके, ये वाला हमारा टाइम है। अभी क्या करना है, रिमेनिंग टाइम निकालना पड़ेगा हमको, ठीक है, क्योंकि उसने पूरा तो भरा नहीं मिलके। सो रिमेनिंग टाइम कैसे निकालेंगे, फर्स्ट जो था इसने 1/45 मीन्स एक टैंक है, ओके, एक टैंक है, एक टैंक का उसने 1/45 पार्ट भरा है 1 मिनट में, ओके। सो रिमेनिंग कितना बच गया, 44/45। अभी हमको ये निकालना पड़ेगा ये कितने टाइम पे भरेगा, ओके। सो रिमेनिंग निकालने के लिए क्या करेंगे, 1-1/45 सो इक्वल टू 44/45, जो हमारा यहाँ मैंने जो आपको बताया। अभी क्या करना है, एक पूरा पार्ट भरने में उसको 360 मिनट लग रहा है, सो 44/45 पार्ट भरने में उसको कितना टाइम लगेगा, 360 इंटू, जब ये इधर जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, सॉरी, जब ये इधर जाएगा तो इसको 44/45 करेंगे, 45 वन जा और ये 8 जा, ओके। सो 8 इंटू 44 कितना आता है, 352 मिनट आता है, ओके। अभी ये जो एक मिनट, ये जो इधर पे ये एक मिनट है, इसको भी ऐड करना पड़ेगा हमको 352 से, क्योंकि ये भी इंक्लूडेड है,
सो टोटल टाइम हमारा कितना हुआ 352 प्लस 1 मिनट इक्वल टू 353 मिनट। ओके अभी 353 मिनट आया, अभी इसको हमको क्या करना पड़ेगा, आवर्स में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो आवर्स में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं हम लोग, डिवाइड बाय 60 करते हैं मिनट को। सो मैंने इसको डिवाइड बाय 60 किया तो इसका आंसर आया 5 आवर्स 53 मिनट्स। ओके चलिए बुक में देखते हैं क्या ऑप्शन दिया हुआ है। सो 14 का डी आंसर, 5 आवर्स 53 मिनट्स। ओके चलिए नए क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। सो 15 नंबर में क्या बोल रहा है, टू पाइप्स ए एंड बी कैन फिल अ क्वेश्चन इन 6 मिनट्स एंड 7 मिनट्स रिस्पेक्टिवली। ए दो पाइप्स है ए एंड बी, एक क्वेश्चन को वो लोग 6 मिनट और 7 मिनट्स में भर देते हैं। बोथ द पाइप्स आर ओपन अल्टरनेटिवली फॉर 1 मिनट ईच, अगर दोनों पाइप्स को 1 मिनट के बाद बाद खोला जाएगा। सो इन व्हाट टाइम विल दे फिल द क्वेश्चन, तो कितने टाइम पे वो लोग क्वेश्चन को फिल कर देंगे। सो देख लीजिए आप 14 और 15 नंबर दोनों सेम ही हैं, दोनों एक ही मेथड से किया जाएगा। ओके चलिए देखते हैं किस तरह करते हैं इसको। ओके हम लोग ऐसे लिखेंगे वर्क डन इन 2 मिनट्स, क्यों मिनट्स में दिया हुआ था दोनों। सो पहला पाइप 6 मिनट्स में भर रहा है और दूसरा पाइप 7 मिनट्स में भर रहा है। ओके सो प्लस करेंगे, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो एलसीएम लेंगे 42 आएगा। सिक्स के टेबल में 42 सेवन बार में आता है तो 7 प्लस 7 के टेबल में 42 सिक्स बार में आता है तो प्लस 6। ओके 7 प्लस 6 करेंगे 13/42 आएगा। ओके अभी 13 को क्या करना है, 42 से डिवाइड करना है। सो 13/42 तो 3 बार में 39 आता है, रिमाइंडर कितना बचा 3। अभी ये जो हमारा 3 आया, ठीक है ये वाला 3, इस 3 को क्या करना है, इस 2 से मल्टीप्लाई करना है और 13/42 से मल्टीप्लाई करना है। तो 2 × 3 = 6 आता है 6 मिनट, और 13/42 को अगर इंटू 3 से करेंगे तो 3 1 जा कटेगा और ये 14 कटेगा। सो 13/14 होगा। ओके अभी हम रिमेनिंग निकालेंगे। रिमेनिंग निकालने के लिए कैसे क्या करते हैं, 1 − 13/14 करते हैं। ओके सो 1 इसको सॉल्व करेंगे तो 1/14 आएगा। अभी 1/14 को क्या करना है, सो 1/14 ये जो 6 है पहला ए वाला 6 उसको क्या करेंगे इनटू 6 करेंगे। सो 2 से काटते हैं 7 जा कटेगा 14 और ये 3 जा कटेगा। सो ये हो जाएगा 3/7। अब हमको टोटल टाइम निकालना है दोनों मिलके कितने टाइम में भरते हैं। सो ये हमारा आया था 6 मिनट, सो 6 लिखेंगे प्लस ये जो हमारा आया 3/7 प्लस 3/7 लिखेंगे। सो क्या हो जाएगा ये 6/3/7 मिनट, ये हमारा आंसर आएगा। इतने मिनट में दोनों मिलके पाइप को भरते हैं। चलिए देखते हैं ऑप्शन में ये क्वेश्चन में ये ऑप्शन है कि नहीं। सो 15 नंबर क्वेश्चन सी ऑप्शन नंबर। सो कितने टाइम में भर रहा है, 6/3/7 मिनट में भर रहा है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ते हैं। थ्री पाइप्स ए बी सी कैन फिल अ टैंक इन 6 आवर्स, तीन पाइप्स है ए बी सी और ये तीनों मिल के 6 आवर्स में भर देते हैं टैंक को। ओके इधर बोल रहा है एक साथ मिल के भरते हैं। ओके क्वेश्चन को ध्यान से पढ़िए, इधर बोल रहा है कि एक साथ मिल के भरते हैं 6 आवर्स में। ओके आफ्टर वर्किंग एट इट टूगेदर फॉर 2 आवर्स, ये तीनों 2 आवर्स तक काम कर लगातार एक साथ काम करते हैं। ओके 2 घंटे के बाद आफ्टर 2 आवर्स के बाद सी इज़ क्लोज, मतलब ये सी जो है ये बंद हो जाता है। अब ए और बी काम कर रहे हैं एंड ए एंड बी कैन फिल द रिमेनिंग पार्ट इन 7 आवर्स, मीन्स बाकी जो रिमेनिंग पार्ट बच गया वो 7 आवर्स में दोनों ने मिल के भरा ए और बी में। द नंबर ऑफ आवर्स टेकन बाई सी अलोन कैन फिल द टैंक, अभी क्वेश्चन में बोल रहा है अगर सी
टैंक को अकेले भरेगा तो कितना टाइम लगेगा उसको पूरा भरने में। ओके, चलिए देखते हैं इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे। ओके, ए बी और सी ये तीनों मिलके 1/6 आवर्स में भर रहे हैं। ओके, और सी बोल रहा था 2 आवर्स में अकेले भर रहा है, मीन्स उसने 2 घंटे काम किया अकेले, मतलब 6 में से 2 घंटे उसने अकेले काम किए, मतलब 2 घंटे अकेले काम नहीं किए, 2 घंटे तक उसने काम किए 6 में से, तो इसको हम लोग काटेंगे तो 1/3 आ जाएगा। ओके, बाकी जो रिमेनिंग काम है वो ए और बी ने किया, 3 में से 1 पार्ट काम सी ने अकेले किया और बाकी जो रिमेनिंग होगा वो ए एंड बी में किया, तो रिमेनिंग कितना आएगा, रिमेनिंग हम कैसे निकालते हैं, 1 - 1/3 करेंगे तो हमारा आएगा 2/3, तो ये रिमेनिंग है, सो रिमेनिंग आया 2/3, ए और बी दोनों ने मिल के किया। तो क्वेश्चन ने क्या बोला था, ए और बी ने दोनों रिमेनिंग काम कितने 7 आवर्स में किया, सो 2/3 काम दोनों ने 7 आवर्स में किया, और अगर एक पूरा पार्ट अगर से ए और बी करेगा तो कितने आवर्स में करेगा, 7 × 3/2, क्योंकि ये इधर चला जाएगा तो उल्टा हो जाएगा, 3/2 हो जाएगा। ओके, मल्टीप्लाई करेंगे तो 21/2, सो ये ए और बी दोनों का आया, मीन्स दोनों ने एक साथ काम के एक पूरा काम वो दोनों इतने आवर्स में कंप्लीट करेंगे। सो सी अभी क्या पूछा, सी कितने आवर्स में पूरा भरेगा, सो ए बी सी का तीनों का दिया हुआ था इधर पे 1/6 आवर्स। ओके, 1/6 आवर, अगर इसमें से हम ए और बी को निकाल देते हैं तो हमारा सी का वैल्यू निकल आएगा, सो -1/21/2 करेंगे। ओके, अभी ये उल्टा हो जाएगा, 2/21 हो जाएगा, 1 - 2/21, अभी इसका एलसीएम लेंगे तो 126 आता है, 6 के टेबल में 126 कितनी बार में आएगा, 21 बार में आता है, -21 के टेबल में 12 बार में आता है। ओके, 21 - 12 करेंगे तो 9 आएगा, 9/126। ओके, अभी 9 से डिवाइड करो, 126 कितनी बार में कटता है, 14 बार में कटता है। ओके, सो कितना आया, 14 आवर्स आया। सो सी कितने आवर्स में भरेगा अकेला टैंक को, 14 आवर्स में। ओके, आई होप आपको वीडियो पसंद आया होगा और आप अपने दोस्तों को ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए और लाइक कीजिए और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, और हाँ, घंटे के बेल आइकन को ज़रूर दबाइएगा ताकि जिससे मैं नेक्स्ट वीडियो अपलोड करूँगा उसका नोटिफिकेशन आपके पास पहुँच जाएगा जल्दी। ओके, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, थैंक यू।